डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा शाहबाज अहमद मिर्जा ने मंगलवार को केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शेर ए कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा में एक मेगा किसान मेला का उद्घाटन किया, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय मिशन के तहत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी पर हुआ। जिले के कोने कोने से किसानों ने मेले में भाग लिया और किसान मेला के दौरान तकनीकी सत्र में विभिन्न कृषि तकनीकों के साथ किसानों को अवगत कराया गया। केवीके बांडीपोरा के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लेने वाले किसानों के साथ आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें फसल की पैदावार, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, किचन गार्डनिंग और मुर्गी पालन के बारे में बताया गया। किसानों को कृषि क्षेत्र में अलग अलग केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ज्ञान दिया गया। मेले में विभिन्न संबंध विभागों ने अपने योगदान को उजागर करने और लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए अपने स्टॉल लगाकर कई किसानों और युवाओं को आकर्षित किया। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी बांडीपोरा ने कृषि को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ करार दिया और सभी भाग लेने वाले किसानों को आगे आने और तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने की अपील की, जो विभाग द्वारा योग्य कृषि टेक्नोक्रेट्स के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने विभाग और संबंध क्षेत्रों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया और किसानों के साथ बातचीत की और विभाग योजनाओं की प्रतिक्रिया प्राप्त की। मेले में मौजूद अन्य लोगों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, भेड़ पालन और कई अधिकारी शामिल थे। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मेगा किसान मेला किया, जिसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट्स सबों ने स्टॉल लगाए। इसमें तकरीबन 40 स्टॉल लगे थे और इसमें एग्रो इंडस्ट्रीज के फार्म मशीनरी भी थी और इसका मकसद एक ही था कि ज़मींदार भाई तमाम डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंटों के प्रोग्राम जो है वो उनको देखें, परखें और उसमें इंटरेस्ट लें ताकि आमदनी उनकी दुगनी हो जाए। बात नहीं है, हम ज़मींदार भाई हमारे पास भी आते हैं, मेरे पास आते हैं, डिफरेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, ये वही लोग होते हैं जो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सबको जो हमारे पास आएंगे, उनको भी, जो हमारे पास नहीं भी आएंगे उनको भी, क्योंकि ये ज़मीन अल्टीमेट तो ये ज़मींदार का मामला है, उनको तो उनको फ़ायदा होना चाहिए, उनकी आमदनी होनी चाहिए। हमने यहाँ मशरूम यूनिट्स लगाए, हमने यहाँ लाइसेंसेस दी ताकि उनको रोज़गार फराम हो।